हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की शॉर्ट सी वीडियो है मेक्सिको का फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेक्सिको आने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन हैं। इनमें सबसे आसान यह है कि अगर आप किसी के साथ यहाँ पे रिलेशन में और आप मेक्सिको आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। इसमें सबसे इजी और फास्ट ऑप्शन ये है कि आप मेक्सिको का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, मेक्सिको में आएँ, यहाँ पर आप शादी करें और विद इन वन मंथ आप यहाँ पर रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो सबसे बड़ा रिस्क मेक्सिको एयरपोर्ट से यहाँ की इमिग्रेशन जो है वो बहुत टफ और बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दें। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे जब विजिटर्स आते हैं ना, इवन के पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, इन पे तो सख्ती है ही है, इसके अलावा भी जो यूरोपियन विजिटर्स आते हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती होती है। और रिसेंटली ऐसे केसेस हुए हैं कि यहाँ से एयरपोर्ट से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। सेकेंडली, अगर आप विजिट पे मेक्सिको आ रहे हैं, मतलब मोस्टली केसेस में जो हमारे दोस्त हमारे साथ शेयर करते हैं, स्पेशली मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास विजिट वीज़ा है या आप किसी भी तरह मेक्सिको आ रहे हैं तो यहाँ पे एयरपोर्ट पर आपसे इंटरव्यू करते हैं। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि पिछले सालों में जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी तो मेक्सिको पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करें, क्योंकि लोग मेक्सिको आके यहाँ से USA चले जाते थे। एनीवे, ये तो जो इजी वे है मेक्सिको आने के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करके आना, तो बहुत बड़ा रिस्क है, आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, इसमें थोड़ा सा लेंथी है, टाइम लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत अथेंटिक वे है और वो है फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, उसका क्या प्रोसेस है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है मेरिज सर्टिफिकेट, यानी कि आपने पहले शादी करनी है। तो शादी के लिए जो पहले ऑप्शन मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मैरिज, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ऑनलाइन मैरिज कैसे करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मैरिज को इमिग्रेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऑनलाइन मैरिज तो हो जाती है लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट है नादरा वाला वो फॉरन ऑफिस वाले अटेस्ट नहीं करते, क्योंकि लड़की जो है वो पाकिस्तान एंटर नहीं हुई होती। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं जिनको आपने कंसिडर करना है, बहुत रिस्की है। उसका हल ये है कि जो मेक्सिकन लड़की है या जो कोई भी किसी भी कंट्री से, लैटिन अमेरिका से या किसी भी कंट्री से लड़की ने अगर आपसे शादी करनी है तो वो पहले यहाँ से पाकिस्तान जाएगी, वहाँ पर आप निकाह करेंगे, शादी करेंगे और फिर उससे आपने जो नादरा का ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट है वो निकलवाना है। नादरा का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपने फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है। ये प्रोसेस उन्होंने पाकिस्तान में, इसके बाद का जो प्रोसेस है आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट होना चाहिए, यानी कि फॉरेन ऑफिस के बाद वो मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट होगा। उसका जो ऑप्शन होता है, या तो आपने मेक्सिकन एम्बेसी को किसी भी तरह आपने वो पोस्ट करना है कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। अभी जो मेक्सिकन एम्बेसी पाकिस्तान को डील कर रही है वो ईरान में है, यानी कि मेक्सिकन एम्बेसी ईरान, आपने बाई पोस्ट सेंड करना है या किसी आदमी ने, किसी बंदे के थ्रू जो वहाँ पर ईरान में कोई बंदा ऑलरेडी मौजूद है उसके थ्रू करवाना है, या फिर आपने खुद जाकर ये अटेस्ट करवाने हैं। जब ये मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट की कॉपी, ये तीन डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपकी वाइफ पाकिस्तान से साथ लेकर आए, या फिर वो अगर ऑलरेडी मेक्सिको वापस आ चुकी है तो आपने बाई पोस्ट पाकिस्तान से उसे मेक्सिको भिजवाने हैं। तो जब उसके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, नादरा का ऑनलाइन जो मैरिज सर्टिफिकेट है अटेस्टेड फ्रॉम फॉरन ऑफिस एंड टेस्टेड फ्रॉम मेक्सिकन एम्बेसी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट की कॉपी, यहाँ पे मेक्सिको में इन्होंने आपका प्रोसेस स्टार्ट करना है। मेक्सिको का जो प्रोसेस है, आपका जो मेरिज सर्टिफिकेट है नादरा वाला वो यहाँ पे स्पेनिश में ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट होने के बाद ट्रांसलेटेड सर्टिफिकेट प्लस आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपकी वाइफ यहाँ पे जो यहाँ का लोकल ऑफिस है ऑफिसिना दे रजिस्ट्रो सिविल, यहाँ पे ये बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हर स्टेट का अपना एक लॉ होता है, अपने कानून होते हैं, अपने एक रूल्स होते हैं, तो उनका जो प्रोसेस है या उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप
कि वाइफ ने उनसे पहले कंसल्ट करने है, चेक करने के क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं। जो आपका पाकिस्तान का मैरिज सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इनके लोकल मैरिज सर्टिफिकेट में कन्वर्ट होगा, आपको यहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आपकी वाइफ जो है वो यहाँ पे, यहाँ का जो ऑफिस है इमिग्रेशन ऑफिस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इमिग्रेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आपकी वाइफ ने यहाँ पे ऑफिस जाके या ऑनलाइन जो है वो आपका वीजा अप्लाई करने हैं। इस वीजा की जो कैटेगरी है वीजा फॉर उनीदार फैमिलियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको मेंशन भी कर आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट का एड्रेस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, स्पेनिश में है। आप अपनी वाइफ को बता सकते हैं कि वो चेक कर ले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ये जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा भी वो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इनका जो फॉर्म है जो आपने आपकी वाइफ ने फिल करना है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आपकी वाइफ का पासपोर्ट या जो इनका यहाँ की नेशनल जो आईडी कार्ड है जैसे इन्हें कहते हैं, या कोई भी रेजिडेंस कार्ड जो आपकी वाइफ के पास अवेलेबल है, आपके पासपोर्ट की कॉपी ओरिजिनल नहीं, आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपका मैरिज सर्टिफिकेट। इसकी जो कास्ट है वो फ्री ऑफ कास्ट है, यानी से कोई कास्ट नहीं होती, ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो जब आपकी वाइफ ये अप्लाई करती है, ऑनलाइन अप्लाई करती है या ऑफिस में जाके अप्लाई करती है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट एक लेटर देते हैं कि हाँ जी आपका जो प्रोसेस है। अभी उसका टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 3 महीने से लेके 9 महीने तक लगता है। आजकल चूंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा या तो रश होता है या तो ऑफिस बंद होते हैं, तो ये काम बहुत स्लो होता है। जब आपका ये वीज़ा अप्रूव हो जाएगा यहाँ मेक्सिको से, तो INM वाले या इमिग्रेशन वाले जो हैं वो आपको एक लेटर देंगे। उस लेटर में उन्होंने मेंशन किए होंगे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपके पास कितना टाइम है। मिनिमम जो टाइम होता है आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, उस पर आपने दिया होता है कि इस टाइम पीरियड में आपने जो आपकी कंसर्न एम्बेसी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में है तो आपको बताएंगे कि आपने ईरान में जाना है, ईरान में जो मेक्सिकन एम्बेसी है वहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ईरान एम्बेसी में आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। जब आपको ये लेटर इशू हो जाएगा, आपका वीज़ा यहाँ से अप्रूव हो जाएगा, तो आपने ईरान एम्बेसी में फ़ोन करना है या ईमेल करनी है और आपने बताने कि हाँ जी मेरे पास ये लेटर आया है और मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जब आप वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपने ईरान एम्बेसी जाके वहाँ पे आपका दोबारा इंटरव्यू होगा, उसकी मैं एक दोबारा से एक वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। उस इंटरव्यू के बाद वो आपके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं। जो आपका वीज़ा स्टैम्प होता है उस पर भी टाइम पीरियड होता है, 1 मंथ होगा, 3 मंथ होगा या 6 मंथ का होगा फैमिली वीजा। उस टाइम पीरियड के अंदर आप मेक्सिको में इंटर हो सकते हैं। जब आप मेक्सिको में इंटर होंगे तो विद इन 1 मंथ आपने अगेन इसी ऑफिस में जाना है, INM का ऑफिस, जो इमिग्रेशन का ऑफिस है, यहाँ पे जाके आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपकी वाइफ ने आपके लिए फैमिली वीजा अप्लाई करना है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीइंग अ ब्रदर आई लव टू हेल्प अदर पीपल। यहाँ पे एक और चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, अटेस्टेशन का प्रोसेस है। आपका जो मेरिज सर्टिफिकेट है नादराबाद वो फॉरन ऑफिस से अटेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है कि आपको मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट करवाना होता है, ये अभी तक जितने मेरे जानने वाले हैं, जितने दोस्त हैं, उन्होंने ये स्टेप लाजमी किया है। लेकिन अभी रिसेंटली एक जो मेरा दोस्त पाकिस्तान से है उसने बताया कि उसकी वाइफ ने, यानी कि उन्होंने मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ फॉरन ऑफिस से उन्होंने अटेस्ट करवाया पाकिस्तान से। उसकी वाइफ जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स लेके मेक्सिको आई है और मेक्सिको में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से उन्होंने अटेस्ट करवाया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। केस जो है वो मेरे इलम में आया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पाकिस्तान फॉरन ऑफिस से अटेस्ट करवाएं, उसके बाद आपकी वाइफ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके मेक्सिको आ जाए, यानी कि आप जो मेक्सिकन एम्बेसी वाला जो स्टेप है बीच में से आप निकाल लें, डायरेक्ट मेक्सिको आ जाए और पाकिस्तान एम्बेसी जो है मेक्सिको में यहाँ से वो अटेस्ट करवाए, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो सेम ही होगा। इसमें रिस्क है कि इन केस के अगर आप डॉक्यूमेंट यहाँ अपनी वाइफ को भेजते हैं या आपकी वाइफ जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आती है, पाकिस्तान एम्बेसी वाले अटेस्ट नहीं करते या जो लोकल ऑफिस है यहाँ का वो एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान, ये तो मेक्सिकन एम्बेसी से अटेस्ट होना चाहिए ना कि पाकिस्तान एम्बेसी से, ये रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अपनी वाइफ को बोलें कि वो जो आप उनका शहर है, जो उनकी स्टेट है, वहाँ पे जो उनका लोकल ऑफिस है, ऑफिसिना दे रजिस्ट्रो सिविल, वहाँ पे जाके पता करें हाँ जी उनका क्या प्रोसेस है। अगेन मैं आपको बता दूं कि हर स्टेट का, हर सिटी का थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट का प्रोसेस होता है। तो बेहतर यह है कि आप उनसे कंसल्ट कर लें, तो अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं तो बेहतर यही है कि आप जो है वो डायरेक्ट मेक्सिको में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहाँ से अटेस्ट करवा लें और अपना प्रोसेस आगे लेके जाएं। क्योंकि जो जो स्टेप है ना मेक्सिकन एम्बेसी वाला जो ईरान से, ये बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि वो मेक्सिकन एम्बेसी जो है वो डायरेक्ट आपसे
आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते कि आप डायरेक्ट उन्हें बाई पोस्ट भेज दें, वो टेस्ट करवा के आपको भेज दें, इवन आप उन्हें पे भी करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए यही होता है कि या तो आपको हो जाना पड़ते हैं, या आप ईरान में कोई बंदा देखेंगे जो आपके लिए ये सारा काम कर सके, आप उस बंदे को भेजें, वो बंदा जाके मेक्सिकन एम्बेसी से टेस्ट करवाए, वापस फिर उनसे ले और फिर आपको पोस्ट कर दे। तो बहुत लेंथी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ज़रूर कंसल्ट कर लें, अपनी वाइफ को बोलें कि जो उनका लोकल ऑफिस है वहाँ से ज़रूर कंसल्ट करें कि हाँ जी वो एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्टेशन। तो होपफुली आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। या कोई भी आपका मैसेज है, क्वेश्चन है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने में भूल गया कि बहुत सारे दोस्त जो है वो ये भी पूछते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनकी जो दोस्त है जो मेक्सिको से वो पाकिस्तान जाना चाहती है, तो उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इस पर मैं एक शॉर्ट सी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे मेक्सिको से उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत आसान। और तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।